अल्लाह का रहम करम हो गया, दो चार पाँच हो गया तो मेरे नबी की सुन्नत है। और जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए और वो नाराज हो जाता है, उसके घर से अल्लाह के रहमत वापस चल। आज कहते हैं, आज कहते हैं कि फला के यहाँ बेटी पैदा हुआ गरीब हो गया। गरीब नहीं हुआ है, वो खुद गरीबी लाया है। जब बेटी हो जाए और मुस्कुरा दे, बेटियों को देखने के बाद चेहरे पे जब मुस्कुराहट रहता है, जब चेहरे पे मुस्कान आता है, तो जब फरिश्ते आते हैं, रहमत के फरिश्ते आते हैं और जाकर बारगाह खुदाबंदी में अरिसा सुनाते हैं, कहते हैं मौला फला गांव में बेटी पैदा हुई है, वो खुश हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उसकी रोजी दुगुनी कर दे। और जो बेटी देखकर नाराज हो जाता है, उसके घर से अल्लाह की रहमत वापस आ जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वो मेरे रहमत से नाराज है, जब वो मेरी रहमत से नाराज है तो उसका नाम मुनाफिक है। तो हमें ऐसा करना है कि जब बेटी आ जाए, बेटा भी नियामत है ऐसा नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे नबी ने पसंद किया तो बेटी फातिमा को पसंद किया है हजरत। और उसी नबी, जिस नबी ने बेटियों को भी इंसाफ दिया, बच्चों को इंसाफ दिया, मजलूमों को भी इंसाफ दिया, उस नबी के बारे में यथुर्वेद में कहता है, यथुर्वेद में कहता है ईशावस मधुम सर्वेद कंचन, जगत श्याम सर्वेद कंचन। उसमें आगे लिखते, उसमें उसका तर्जमा होता है कि वो ऐसा ईशावस, वो ऐसी शह है, वो ऐसी जात जात है जिनकी तलाश करो, जिनको ढूंढो, जिनके बारे में मालूम करो तो जहां चाहो वहां मिलेंगे, जहां ढूंढो वहां मिलेंगे, जहां सोचो जिस चीज को देखो वहां नजर आएंगे। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये किस 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 हाल से होगा, कैसे होगा। तो मैंने जो ही सोचा तो मेरे उस्तादे गिरामी मुफ्ती हसन मंजर कदीरी साहब को पूछ लिया, हुजूर मैंने ये मंत्र फला जगह पढ़ा और मेरे मैंने जिनसे सीखी है वो कहते हैं मेरे नबी के बारे में कहते हैं कि वो जहां ढूंढो, जहां ढूंढो वहां मिलेंगे, तो कैसे। तो मेरे उस्ताद ने कहा बेटा कुरान में देखो, कुरान कहता है उमार सल्ला का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन, मेरे नबी तो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो जहां देखोगे वही नजर। हजरत इसी चीज को जब नबी के बारे में बात चली तो बशारत अहमद पेज नंबर 118 में लिखा है कि किसी ने राम जी से प्रश्न किया, पूछा कि परमेश्वर तक पहुंचने के कितने दर्जे, जब पहुंचा जाए मुसीबत अल्लाह हो जाए तो कितने दर्जे हैं अल्लाह तक पहुंचने के, तो उसने कहा 14 दर्जे हैं। कितने? 14। बोलिए बोलिए, 14 दर्जे हैं। तो बोला कि आपने किसी दर्जे पे आपने 14 दर्जे मुकम्मल कर लिए, तय किए कि नहीं, तो वो कहते हैं नहीं। तो कहा क्या आपसे पहले किसी ने तय किया, तो वो कहते हैं नहीं। तो कहता है कि आपके बाद की कोई तय करेंगे, तो वो कहा हाँ तय करेंगे। तो मैं वो फिर पूछा गया कि वो कौन है, तो उनके बारे में कहा है कि वो दुनिया के बीच में जमीन के बीच में आएंगे, वो आमना के बेटे होंगे, वो अब्दुल्ला के दुलारे। और वो कहाँ बसेंगे,
वो दीन की तबलीग करेंगे, 40 साल ऐलान नबूवत नहीं करेंगे, 40 साल के बाद करेंगे, और वो शहर मदीना में बसेंगे, और वो मदीना सबका प्यारा दुलारा और ख्वाबों का शहर हो जाए। और उस मदीने के बारे में वो कहा कि वहां खजूर की चटाइयों में आराम करें। जब राम जी से पूछा तो वो कहते हैं हमने तय नहीं किया, लेकिन हालात साजगार है, नहीं तो मैं और कुछ कहता, लेकिन आप इशारों में समझ जाओ। जो उनको कुछ और मानते हैं, जो उनको परमेश्वर मानते हैं, वो वहां तक ही पहुंचे। तो ये जो कहते हैं कि ही का मुंह यानी वो ऐसे वैसे जिनके बारे में सोचते हैं, तो आप समझ चाहिए जो आगे वाले नहीं पहुंचे तो ये पीछे वाले का। और इसी चीज को बंगला में कहते हैं ईदेश आर पालो लागे ना गो नबी ना मुंडित चाहे सो नारे मोदी। आप लोग सो रहे हैं क्या? तो सुभान अल्लाह तो बोलिए। ईदेश आर बालो लागे ना गो नबी ना मुंडित जाए सोनार मोदी। मोदी ना वे माटी पेले चोखे दी तो सुरमा बोले तो भे मिट बे मोनर बासी ना गो नबी ना मंडित जय सोना मोदी। हजरत हजरत आज इस जलसे को सजाए हैं हमारे मुफ्ती आजम हिंद के नाम से सजाए, वो मुफ्ती आजम तकवा लाजवाब फतवा लाजवाब, जिनके बारे में जिनको जो देखे वो देखने वाला लाजवाब, उनके घर वाले लाजवाब, उनके नवासे लाजवाब, और उनके मुरीदीन भी लाजवाब। और जब मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुए तो आला हजरत से किसी ने पूछा कि आपने अपने लड़के का नाम क्या रखा है, तो उन्होंने कहा कि उनका नाम मोहम्मद रखा है। क्या नाम रखा? बोलिए मोहम्मद रखा। लेकिन आज हम नाम रखते हैं कुछ और, पिंटू लिंटू मंगला और कुछ ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जिनका माना मतलब तो दूर की बात, मीनिंग भी समझ वो उसको बोल नहीं पाता है, अदा नहीं कर पाता है जी। अगर इस तरह के नाम हो जाए तो वो क्या होगा? लेकिन आपको सुना देता हूं कि एक गांव में एक शख्स रहता था जिनके चार बेटे थे। एक का नाम टूटा था, दूसरे का नाम सड़ा था, तीसरे का नाम पंचर था, चौथा का नाम तीसरा का नाम फटा था, चौथा का नाम पंचर था। एक का नाम टूटा, दूसरे का नाम सड़ा, तीसरे का नाम फटा, चौथे का नाम पंचर था। उसके यहाँ समधी जी आ गए और वो पुराना दौर था, और आज भी देखते हैं कि लोग पैदल कम चलते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि साइकिल से अभी भी बहुत लोग चलते हैं जी। तो उस दौर की बात है, तो वो बेचारे बहुत दूर से आए थे, तो पैदल चल के समधी जी के यहाँ आए। जब समधी जी के यहाँ आए, दुआ सलाम किए, दुआ सलाम के बाद बोले समधी जी मैं बहुत थक गया हूँ, दूर से आया हूँ, बैठने का इंतजाम कर दीजिए। तो कहते हैं अरे फटा अरे टूटा खटिया लेकर आओ, टूटा खटिया लेकर आओ। समझी जी सोचे भाई बेइज्जत करेगा क्या,
घर में आए वो भी टूटा खटिया में बैठाएगा, बोले नहीं नहीं छोड़ो तो खटिया उठिया छोड़ो, भूख लगी है जरा खाने का इंतजाम कर दो। हाँ क्यों नहीं भाई, तुम मेरे घर में मेहमान हो, ठीक है। अरे सरा खाना लेकर आओ, सरा खाना लेकर आओ। लो भाई तेरे घर में मेहमान आए हैं, सड़ा खाना खिलाओगे? कहने लगा छोड़ो भाई हमें भूख भी कम, आपकी बात सुनकर भूख भी कम लगने लगी है, चलो नहीं खाएंगे, सोने का इंतजाम कर दो, ठंडी का मौसम है जरा सो जाएंगे, फिर कल सुबह उठ के अपने घर चले जाएंगे, घर में खाएंगे पिएंगे। बस ठीक है ना समझी, काहे नाराज होते हैं, ठीक है। अरे फटा कम्बल लेके आओ, फटा कम्बल लेके आओ। गुस्से में तमतमा गए, अरे तेरे घर में आए हैं, तुम टूटा खटिया में बैठा रहे हो, सड़ा खाना खिला रहे हो, अब सोने की बारी आए तो फटा कंबल दे रहे हो। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो एक साइकिल का इंतजाम कर दो, इसी रात में हम घर पहुंच जाए। अच्छा घर जाइएगा? हाँ घर जाएंगे। अरे पंचर साइकिल लेके आओ, पंचर साइकिल लेके आओ। जैसे ही सुना गुस्से में लाल हो गया और कहने लगा हम तेरे घर में आए हैं, तुम इस तरह बर्ताव कर रहे हो, हम तुझसे नाराज हो रहे हैं, और गुस्से की हालत में मेहमान भाग गए। लेकिन अगर उन्होंने अपने बच्चों का नाम कभी गुलामे गौस रखा होता, बच्चों का नाम कभी मोइनुद्दीन रखा होता, अगर बच्चों का नाम अहमद रसा रखा होता, बच्चों का नाम कभी अख्तर रसा रखा होता, बच्चों का नाम कभी मुस्तफा रजा रखा होता तो उनके घर से मेहमान वापस नहीं जाता, बल्कि उनके घर से मेहमान दुआ देकर जाता। इसी चीज को हमारे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला इनके घर में 3 दिन मेहमान नहीं आया तो वो रोने लगते हैं, फरियाद करने लगते हैं, मौला 3 दिन हो गया लेकिन मेरे घर में मेहमान नहीं आया, क्या मौला तुम मुझसे नाराज है? वो अली है जिसके घर में मेहमान आती है तो वो रो नहीं आती, जिनके घर में मेहमान नहीं आते तो वो रोने लगते हैं, लेकिन हम ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि मेरे घर से मेहमान भाग। तो हजरत हमें मेहमानों को भगाना नहीं है, हमें मेहमानों को भगाना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों का नाम ऐसा रखना है ताकि हमारा बच्चा उस नाम के सदके और जिनके नाम से रखें उन औलियाए किराम के सदके हमारा बच्चा भी सुधर जाए, हमारे बच्चों की आखिरत भी सुधर जाए।